बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुज्जर डेयरी फार्म के मिल्क का रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिल्क है गुज्जर दूध का, गुज्जर डेयरी मिल्क का फुल फैट मिल्क, और ये 1 लीटर वाला पैक है, और ये 1/2 किलो वाला है, और ये 1 पाव वाला है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो वाला मिल जाएगा, अगर आपको 1/2 किलो चाहिए तो 1/2 किलो मिल जाएगा, अगर 1 पाव वाला चाहिए तो 1 पाव वाला मिल जाएगा। और पैकिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पैकिंग बहुत अच्छी है, देखें यहाँ पर। और ये कराची का काफ़ी फेमस और पुराना डेयरी फार्म है, और यहाँ पर आपको लस्सी मिल जाएगी, दूध मिल जाएगी, बेकरी आइटम्स मिल जाएंगे, असली घी मिल जाएगा और दूध मिल जाएगा। इसमें आपको गाय वाला दूध भी मिल जाएगा, ये भैंस वाला दूध है तो इसमें गाय वाला भी मिल जाएगा, और प्राइस सेम ही है। जैसे पूरे पाकिस्तान में 200 रुपये किलो दूध मिल रहा है तो ये प्राइस सेम है, और क्वालिटी भी अच्छी है। जो हम खुले में दूध लेते हैं लोकल शॉप से, तो वहाँ पर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। इसमें देखें इन्होंने कितना एफर्ट किया है, पैकिंग भी की हुई है इतनी खूबसूरत, और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। इसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने काटना है और उबाल लेना है। जैसे ही आप लेकर आते हैं तो फ़ौरन आपने उबाल लेना है, और उबालने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप फ्रीज़र कर दें, फ्रीज़र में रख दें तो ये ख़राब नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने देखें मेंशन किया हुआ है फुल फैट मिल्क, गैर उबले हुए दूध की लाइफ 4 घंटे ही होती है, लिहाजा इसे 1 घंटे के अंदर अंदर लाजमी उबाल कर इस्तेमाल में ले आए या फ्रीज कर दें। दूध को उबाल कर फ्रीज़र में 4 घंटे सेंटीग्रेड पर रखने से दूध की लाइफ बढ़ जाती है, चंद ही मिनटों में भलाई हासिल की जा सकती है। यहाँ पर न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी हैं इनके, और मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा दूध है क्वालिटी में, तो नो डाउट, नो इश्यू, कोई डाउट नहीं है। और ये देखें यहाँ पर इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, जैसे कि ये 5 तारीख 3 महीना 2024, तो आप देख लें कि कितने टाइम पहले ये मैन्युफैक्चर किया हुआ इन्होंने। ये देखें ये 3 तारीख 6 महीना, और ये देखें आप, इस पर भी यहाँ पर मेंशन है, पैकिंग सेम है दोनों की, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, देखें काफ़ी अच्छा है, और पैकिंग भी काफ़ी खूबसूरत है, सहूलत वाली है। और इसमें आपको गाय वाला मिलेगा तो उसका ग्रीन रैपर है, सेम इसी तरह का लेकिन ग्रीन रैपर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी है दूध की, और साफ़ सुथरा है, हाइजीन है, और कोई गंदगी वगैरह नहीं है। जो हम दूसरे खुले हुए दूध लेते हैं तो वो अनहाइजीनिक होते हैं, उन्हें हमें घर पर लाकर छानना पड़ता है। तो ये देखें ये अपना मार्जिन निकाल लेते होंगे, इन्होंने पैकिंग की भी है, और खालिस अच्छा दूध है, लेकिन हर जगह खालिस दूध नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत मिलावट होगी क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया हुआ, पैकिंग वगैरह की है, तो उनका तो काफ़ी अच्छे हैं, और आप ट्राई कर सकते हैं, और इसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको मैंने जैसा बता चुका हूँ, दही और लस्सी, दूध की बोतल, अंडे वगैरह, बेकरी आइटम, असली घी, काफ़ी कुछ मिल जाएगा इनके पास से। और कराची में काफ़ी सारी गुज्जर डेयरी ओपन हो गई हैं, तो आप अपने इलाके में सर्च करके वहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा दूध है, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो मैं नेक्स्ट भी यही यूज़ करूँगा। और इसकी बात मुझे ये अच्छी लगी कि ये पाव वाला भी देते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।